ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना में अपना पंजीकरण करवाएं, ताकि 60 साल के बाद एक 3000 रुपए की कम से कम निश्चित मासिक पेंशन आपको मिले। ये जो योजना है सरकार ने वो असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए दी है, लेकिन अगर तो ईश्रम कार्ड पे सरकार उनको कम से कम 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देती है। इस पंजीकरण में पहले आप का एक ईश्रम कार्ड बनेगा भारत सरकार की तरफ से, जिस योजना में 18 से 40 वर्ष के लोग ही पंजीकरण करा सकते हैं। भारत सरकार की एक बहुत ही बढ़िया योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आई हुई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत खास तौर से जो बिना जो टैक्स पेयर वाले लोग हैं को उनको पेंशन की स्कीम है, केंद्र सरकार की ये स्कीम है। इसके तहत अलग अलग श्रेणी में मासिक रुपए हैं, जो कि अगर यूँ देखा जाए तो रोज़ 40-50-100 रुपए का मामला है। यह अगर मंथली वे बचाते हैं तो उन्हें 60 वर्ष की उम्र में 3000 तक की पेंशन मिल सकती है। आखिर ये पूरी योजना क्या है, इस योजना के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, उसको लेकर जानेंगे। हमारे साथ में अभी लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट डिस्पेंसरी के डॉक्टर कुलदीप जी चौबीसा हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि ये पूरी योजना क्या है, उस योजना के बारे में हमें जानते हैं। सर, पहले तो ये पूरी योजना क्या है इसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप चौबीसा है। मैं लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट डिस्पेंसरी उपली ओडन में डॉक्टर के पद पे तैनात हूँ। भारत सरकार की एक बहुत ही बढ़िया योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आई हुई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसमें 18 से 40 वर्ष के जो भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, चाहे वो कोई भी काम करते हों, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो धोबी का काम करते हो, चाहे वो दर्जी का काम करते हो, किसी भी तरीके का काम करते हो, जिनकी मासिक आय 15000 रुपए से कम है और जो ESI या PF जिसका नहीं कटता है या इनकम टैक्स पेयर नहीं है, वो सभी इस योजना में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के लोग ही पंजीकरण करा सकते हैं, जिनको उनकी उम्र के हिसाब से 55 रुपए से 200 रुपए तक हर महीने उनके अकाउंट से कटेंगे, ऑटो डेबिट। सबसे बड़ी इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, कैसे जुड़ सकता है? इस योजना के लिए आपको आपके निकटतम जो भी CSC सेंटर है उनके पास या ई मित्र वाले के पास जाके 3 चीज़ें ही चाहिए इसके लिए पंजीकरण के लिए। पहला आपका आधार कार्ड, दूसरा आपकी बैंक की पासबुक और तीसरा आपका मोबाइल, जिसपे कि आपको OTP प्राप्त हो सके। तो आप ये 3 चीज़ें ले जाके आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस पंजीकरण में पहले आप का एक ई श्रम कार्ड बनेगा भारत सरकार की तरफ से, जिसपे 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा बिल्कुल फ्री है और ये ई श्रम कार्ड बिल्कुल निशुल्क बनता है। ये कैसे बनेगा? ये भी CSC वालों के पास ही जाके बनेगा। इसके लिए भी वही 3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ये ई श्रम कार्ड अलग प्रोसेस और ये पेंशन अलग है? नहीं, ई श्रम कार्ड एक एंट्री पॉइंट है सरकार के द्वारा। अच्छा। कोई भी योजना आती है भारत सरकार के द्वारा तो एक तरीके से एक एंट्री पॉइंट है कि पहले मजदूरों का, जो श्रमिक हैं उनका पहले ई श्रम कार्ड बने। तो ई श्रम कार्ड पे सरकार उनको कम से कम 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देती है। सीधे ही, मतलब सीधे ही। उसमें रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें कोई चार्ज सरकार नहीं ले रही है। तो जिन लोगों का वो बना हुआ है वो ई श्रम कार्ड लेके सीधा मानधन बनवा सकते हैं, और जिनका नहीं बना हुआ है पहले ई श्रम कार्ड बन जाएगा और उसी के बाद मानधन योजना में वो शामिल हो सकते हैं। अच्छा, इसमें उसके बाद जैसे ही एक बार उसने CSC जाके उसने जुड़वा दिया, हाँ, तो उसके बाद प्रीमियम हर महीने उसे जमा करवानी पड़ेगी वहीं, हाँ, जाके जो पहली किस्त है जो 55 से 200 रुपये उनकी एज वाइज, वो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको बता दिया जाएगा। जैसे 18 साल वालों के लिए 55 रुपये है, 24 साल वालों के लिए 76 रुपये है, 29 साल वालों के लिए 100 रुपये है, 32 साल वालों के लिए 120 रुपये है और 40 साल वालों के लिए 200 रुपये। तो पहली किस्त आपको कैश, आपको CSC जो चला रहा है, जो आपका फॉर्म भर रहा है, उसको कैश देनी है। उसके बाद वो आपका अकाउंट डिटेल्स ले लेगा, तो आपके अकाउंट से हर महीने जितनी राशि वो
उस कार्ड में लिखी हुई होगी उतनी राशि आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक मुख्य रूप से जो अपने खाते से जो मतलब जो भी असंगठित जो कामगार है उसके खाते से जो कटेगा उतनी राशि सरकार की तरफ से भी कुछ? जी हाँ, जितनी राशि जिस समय वो जमा कराता है, जैसे कि कोई 18 वर्ष का श्रमिक है तो वो 55 रुपये जमा कराता है, तो 55 रुपये ही सरकार उसी वक्त उसके खाते में जमा करा देगी। तो वो आप चाहे तो उसका एक स्टेटमेंट भी, मिनी स्टेटमेंट भी आप ले सकते हैं, तो वो आपको शो होगा। एक मुख्य रूप से ये मुख्य रूप से आपने बताया कि बिना जो टैक्स पेयर नहीं है वो ही इसमें जुड़ेंगे। अगर बाद में वो व्यक्ति अगर टैक्स पेयर हो जाता है तो क्या होगा? एक्चुअली ये जो योजना है सरकार ने वो असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए दी है, लेकिन अगर कोई श्रमिक जो है असंगठित से संगठित क्षेत्र में चला जाता है या उसकी जो आय है वो 15,000 रुपये महीने से ज़्यादा हो जाती है, तो वो अगर वो 3 साल तक फिर संगठित क्षेत्र में काम करता है और अगर वो चाहता है कि वो इस योजना में जुड़ा रहे, तो जो सरकार जो अंशदान हर महीने उसके दे रही है उतना अंशदान फिर सरकार नहीं देगी, उसको खुद को देना पड़ेगा। जैसे कोई 18 साल का है, 55 रुपये वो जमा करा रहा है, 55 रुपये सरकार हर महीने दे रही है, लेकिन फिर उसको 110 रुपये जमा कराने होंगे। अगर वो इस योजना में नहीं रहना चाहता है तो वो इससे एग्जिट भी ले सकता है, तो उसने जितना पैसा जमा कराया है वो उसे मिल जाएगा, सरकार ने कराया वो वापस नहीं मिलेगा, उसने जितना कराया वो इंटरेस्ट के साथ उसको मिल जाएगा 5 साल बाद, मिनिमम 5 साल बाद। अच्छा जी, तो इस योजना में कुल मिला के जो शहर और ग्रामीण क्षेत्र के जो भी असंगठित कामगार हैं वो सभी इसमें लाभान्वित? हाँ जी, भारत सरकार के एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो वो सभी इस योजना के लिए पात्र हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना में अपना पंजीकरण करवाएं ताकि 60 साल के बाद एक 3,000 रुपये की कम से कम निश्चित मासिक पेंशन आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद चौबीसा जी। ये डॉक्टर साहब थे, आपने मुख्य रूप से असंगठित कामगार जो श्रमिक हैं, मुख्य रूप से चाहे ऑटो चालक हो, रेहड़ी वाले हो, ठेले वाले हो, या ग्रामीण क्षेत्र में जो चुनाई कारीगर हैं, बेलदार हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, जो असंगठित रूप से काम कर रहे हैं, वो इस योजना के पात्र हैं और वो नज़दीकी CSE सेंटर या ई मित्र पर जाकर इस योजना से जुड़ सकते हैं और उसके बाद उसके खाते से प्रतिमाह वो जो तय प्रीमियम राशि है वो उसके बैंक खाते से कटती रहेगी और उसे जैसे ही उसकी उम्र 60 वर्ष होगी उसके बाद उसे प्रतिमाह 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।